हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर बुक के अगले चैप्टर के बारे में। इसका टाइटल है स्टोन सूप इन बोहेमिया। इसके राइटर का नाम यहाँ मेंशन किया हुआ नहीं है, या ऐसा कहें इसके राइटर अननोन है, क्योंकि ये एक प्री हिस्ट्रिक कहानी है। मतलब जब कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, ये उस समय की कहानी है। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक भूखा सोल्जर अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने लिए अच्छे खाने का अरेंजमेंट कर लेता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। पहले हैं एक सोल्जर जो एक वॉर से लौटकर आ रहे होते हैं। दूसरे बर्गो मास्टर, ये कोई नाम नहीं है बल्कि इसका मतलब होता है चीफ मजिस्ट्रेट, या एक तरह से कह सकते हैं कि गाँव का हेड। और तीसरे हैं गाँव के कुछ लोग। तो आइए शुरू करते हैं इसे। पुराने समय में यूरोप में सैनिक सब युद्ध से लौटकर आसपास के गांव में घुमा करते थे। कंट्रीसाइड का मतलब हुआ शहर से लगे हुए गांव। वे सब अपने खाने पीने के लिए और रहने के लिए कुछ तो गांव के लोगों की दयालुता पर निर्भर थे और कुछ अपनी बुद्धि पर। इस कहानी में हम यही देखेंगे कि कैसे एक सैनिक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना जुगाड़ कर लेता है। बोहेमिया में 300 से 400 साल पहले एक सैनिक युद्ध से वापस लौटकर एक छोटे से गांव में पहुंचता है। ये गांव बहुत ही पुराना था और बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था। यहाँ ड्रैब का मतलब हुआ नॉट अट्रैक्टिव, और थ्रेड बेयर का यूज हम लोग मेनली मटेरियल और कपड़ों के लिए करते हैं, जिसका मतलब होता है फटे पुराने और घिसे पिटे। लेकिन फिर भी वो विलेज स्क्वायर तक चल के जाता है और वहाँ पे अपना सामान जाके रख देता है। विलेज स्क्वायर का मतलब एक चबूतरा जैसा, जहाँ पे पंचायती लगती हो, लोगों की मीटिंग होती हो। फिर वहाँ पे उसने अपने बैग से लेदर का बना हुआ एक पैक निकाला, एक चादर निकाला और एक लोहे से बना हुआ बर्तन निकाला, जो वो अपने पीठ पर लाद कर चलता था, और ये बिल्कुल हम्प के जैसे लगता था। हम्प का मतलब कूबड़। आप लोगों ने कैमल को देखा होगा, उसके शरीर का उठा हुआ जो भाग होता है उसे ही हम्प कहते हैं। फिर वो खुद को थोड़ा स्ट्रेच करता हुआ, मतलब रिलैक्स करता हुआ, अपने कोट को लूज करता है, अपने जूते उतारता है और वहीं चबूतरे पर अपनी रात गुजारने के लिए बैठ जाता है। वो जब अपने आसपास के लोगों को देखता है तो उसे वे लोग बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लगते। उनसे उसे दुश्मनी या आक्रोश की फीलिंग आ रही थी। तभी एक बहुत ही बूढ़ा आदमी जो अपनी छड़ी के सहारे झुका हुआ था, वो वहाँ आता है और उस सोल्जर से कहता है, मुझे लगता है कि तुम सोच रहे होगे कि हम तुम्हें खाना खिलाने वाले हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं यंग मैन कि मैं इस गांव का बर्गो मास्टर हूँ, मतलब इस गांव का सरपंच हूँ। मैं तुम्हें यहाँ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे पास हमारा अच्छा या बुरा सोचने के लिए खुद का दिमाग है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सोल्जर सब कुछ क्लियरली सुन रहा था, क्योंकि बर्गो मास्टर बहुत ही ऊंची आवाज में बात कर रहा था और वहाँ जो लोगों की भीड़ लगी थी वे भी अपनी असहमति जता रहे थे। एक औरत जिसके नाक पर एक वार्ट था, मतलब मस्सा था, वो कह रही थी, हम तुम्हें एक बीन भी नहीं लेने देंगे। फिर भीड़ में से ही एक और आदमी बोलता है, हम तुम्हें मटर का एक दाना भी नहीं देंगे। एक और कहता है, हम सब इज्जतदार लोग हैं, हम तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जल्दी ही सारे लोग फुसफुसाने लगे और अपनी अपनी असहमति जताने लगे। फिर कहते हैं कि अगर सोल्जर थोड़ा सा भी डिप्रेस होता तो वो उसे माफ कर देते, लेकिन सोल्जर जरा सा भी दुखी नहीं था, उल्टा वो खुश था। सोल्जर अपने माथे से अपना रेड कैप उतारता है और वहाँ भीड़ के सामने उनको रेस्पेक्ट देने के लिए अपना सर झुकाता है। फिर वो औरत जिसके नाक पे मस्सा था उसकी तरफ देखते हुए वो कहता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर बर्गो मास्टर से कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, मैं बस अपनी रात यहाँ पे गुजारूंगा अगर आप लोग इजाजत दें तो, और मैं बस अपने काम से ही मतलब रखूंगा। जैसे ही सुबह होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा।
मुझे पता है कि आप लोग कैसा फील कर रहे होंगे, और इसके लिए आप लोग खुद को दोष मत दीजिए। हम लोग तो सोल्जर हैं, लेकिन कभी कभी लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन जाते हैं। नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बस अपने इस बर्तन को साफ करूंगा। फिर वो एक रुमाल निकालता है जो गंदा था और उस पे कुछ दाग धब्बे लगे हुए थे। उससे वो अपने बर्तन को रगड़ना शुरू कर देता है। मैं बस अपने इस बर्तन को प्रिपेयर कर रहा हूँ, मतलब साफ करके उसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, और इसमें मैं अपना स्टोन सूप बनाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो अपने बैग से दो बड़े बड़े पत्थर निकालता है। वो पास के ही विलेज पंप से अपने बर्तन में पानी भरता है, लकड़ियाँ जलाता है, मतलब चूल्हा जलाता है, फिर उस पानी भरे बर्तन में उन दोनों पत्थरों को डाल देता है। पत्थर को डालते हुए जो साउंड क्रिएट होती है उसे पॉपिंग साउंड कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी नदी या तालाब में पत्थर डालते हैं एक आवाज़ आती है, वही पॉपिंग साउंड है। फिर वो उस बर्तन को चूल्हे पे चढ़ाता है और ज़मीन पे बैठ के उसके उबलने का वेट करने लगता है। फिर सारे लोग उसे घूरने लगते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। स्टोन सूप, ये आदमी पागल तो नहीं हो गया है? बस पत्थर को पानी में डालो, ये किस तरह के पत्थर है? ये कोई जादूगर तो नहीं? हमने तो आज तक किसी ऐसे डिश का नाम नहीं सुना है, स्टोन सूप। ये सब देखकर वो सोल्जर अपने सूप को स्टीर करता हुआ, मतलब चलाता हुआ बोलता है, आप लोग उदास ना हो। ये एक प्री हिस्टोरिकल रेसिपी है जो मुझे एक संत ने बताया था। जब मैंने उन्हें एक जंगली हाथी से बचाया था, तब उन्होंने मुझे गिफ्ट में ये दो पत्थर दिए थे। इनमें बहुत ही स्पेशल पावर है, ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना तैयार कर सकता है, और साथ ही मुंह में पानी ला देने वाला सूप जो आज तक कभी भी किसी आदमी ने टेस्ट नहीं किया होगा, स्टोन सूप जो चाइना में बनता है। और फिर वो अपने सूप को एक चम्मच में लेता हुआ और उसे टेस्ट करता हुआ बोलता है, बहुत टेस्टी है। ये वही सूप है जो अलेक्जेंडर ने पिया था जब वो पिरामिड को जीतने के लिए जा रहा था उससे पहले। स्टोन सूप फ्रॉम चाइना, ये सूप हीरोज के लिए होते हैं। आप सब बहुत ही फ्रेंडली हैं, मुझे आप लोगों के चेहरे बहुत पसंद है। आप सब भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सब तो वो सोल्जर बस उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा था। फिर आगे वो सोल्जर बोलता है कि मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा भी बना सकता हूँ, ये बर्तन तो काफी बड़ा है, बस क्या चाहिए, थोड़ा सा पानी और इस आग को थोड़ा और तेज करना है, फिर आप सबके लिए एक एक कटोरा सूप तो बन ही जाएगा। ये सुनकर बर्गो मास्टर सोल्जर से कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें सूप बनाने के लिए बस पानी और ये दो पत्थर चाहिए? सोल्जर कहता है, हाँ सर, बस यही चाहिए, ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सूप और भी ज़्यादा अच्छा बन सकता है अगर इसमें थोड़ा सा गार्लिक यानी लहसुन और कैरेट गाजर इसमें मिला दिया जाए, अगर कॉलीफ्लावर भी इसमें मिला दिया जाए तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा, और अगर कुछ ग्रीन स्टफ जैसे धनिया, कुछ साग वगैरह ये सब मिला दिया जाए तो इन पत्थरों की मदद से ये सूप बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये सब सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। कोई भी पहले आगे नहीं आना चाहता था, जानने की इच्छा तो सब में थी कि ये स्टोन सूप कैसे बनेगा और कैसा टेस्ट होगा, लेकिन कोई भी ये बताना नहीं चाहता था। वे सब यही सोच रहे थे कि ये सोल्जर उन्हें उल्लू तो नहीं बना रहा, इसलिए वे पहले उल्लू भी नहीं बनना चाहते थे। लेकिन फिर तभी सब में अचानक कॉमन इम्पल्स आ गई। कॉमन इम्पल्स मतलब कुछ काम करने की इच्छा होना। फिर वे सब कहते हैं कि थोड़े मटर और टमाटर से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्टोन सूप उनके लिए बिल्कुल ही नया था। वे सब वहां से एक एक करके अपने अपने घर चले जाते हैं अपना अपना कंट्रीब्यूशन लाने के लिए। कंट्रीब्यूशन मतलब जो भी उन्हें अपने घर पे मिले, साग सब्जी, वो लाने के लिए चले जाते हैं। फिर सबसे पहले उसमें टर्निप डाला जाता है, मतलब शलजम, उसके बाद
आलू, गोभी, प्याज, मटर और भी बहुत सारी चीज़ें। इन सब की वजह से सूप बहुत ही थिक और खुशबूदार हो गया था। गांव वालों ने उसमें इतनी सब्जियां डाल दी थी कि उसमें वो दो पत्थर नज़र ही नहीं आ रहे थे। तभी वो सोल्जर कहता है, हो बहुत ही शानदार होने वाला है आज का डिनर। ऐसा डिनर आज तक कभी भी किसी ने इस प्यारे से गांव में नहीं किया होगा। फिर सोल्जर बर्गो मास्टर की तरफ देखता हुआ कहता है कि बोहेमिया में हफ्ते में हर रात ऐसा सूप थोड़े ना मिलता है पीने को, है ना सर। फिर वहाँ पे सारे लोग एक औरत का मजाक उड़ाते हैं, मतलब वहाँ पे जोक शुरू हो जाता है, लोग एक दूसरे का मजाक बनाने लगते हैं। एक छोटा सा और मोटा सा आदमी था, उसका मजाक बनाते हैं, फिर बर्गो मास्टर का मजाक बनाते हैं, और फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। सारे लोग उस सोल्जर को घेर कर बैठे हुए थे और उस सूप के रेडी होने का इंतज़ार कर रहे थे। उस सूप की जो खुशबू थी वो चारों ओर फैल रही थी और सोल्जर के आसपास बहुत सारे कटोरे रखे हुए थे और बाकी लोग उस पेवमेंट पे बैठे हुए थे। सोल्जर सूप को उन सब के कटोरियों में डाल देता है और फिर सारे लोग वहाँ चुस्की ले लेकर के सूप को पीना शुरू कर देते हैं। चुस्की लेना मतलब सिप करते हुए पीना। सबसे पहले बर्गो मास्टर कहता है, एकदम शानदार है ये, बहुत टेस्टी। बर्गो मास्टर खुद को फूड का बहुत बड़ा जानकार समझता था तो उसने और बढ़ा चढ़ा करके इस सूप की तारीफ की। वो जो पॉटली मर्चेंट था, छोटा सा और मोटा सा आदमी, वो बोलता है, एकदम लाजवाब है, मज़ा आ गया, और इसे खाने का बहुत शौक था। फिर वो जो औरत जिनके नाक पे वार्ट था वो बोलती है, मुझे कहना पड़ेगा, ये बहुत टेस्टी है, रियल टेस्टी। तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जितना भव्य नहीं होगा उससे भी ज़्यादा शानदार इसका टेस्ट लग रहा है। फिर एक और कहता है, ये सूप तो पक्का अलेक्जेंडर के लिए ही बना होगा, इतना टेस्टी है ये। फिर सारे लोग एक साथ बोलने लगे, स्टोन सूप रियली बहुत टेस्टी है, क्या चमत्कार है, इतना बढ़िया गिफ्ट तुम्हें चाइना से मिला है। सोल्जर उन सब की बातों को सुन रहा था और अपना सूप आराम से वो पी रहा था और सूप पीते पीते ही वो स्माइल भी कर रहा था। फाइनली स्माइल क्यों कर रहा था, क्योंकि उसने तो उन सारे गांव वालों को बेवकूफ बना दिया था। वो दो स्टोन कोई जादू वाले स्टोन नहीं थे जिससे सूप बहुत टेस्टी बन गया, ये तो उन सब्जियों की वजह से ही था कि सूप इतना टेस्टी लग रहा था, वे नॉर्मल पत्थर ही थे। सोल्जर ने उन सबको इतनी सारी कहानियां बता दी थी उस स्टोन के बारे में कि लोगों के माइंड में बैठ गई थी ये बात कि अगर सूप टेस्टी लग रहा है तो सिर्फ इस पत्थर की वजह से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कहानी यहीं पे एंड होती है। देखा आप लोगों ने कैसे सोल्जर ने अपनी बुद्धि के दम पे उस बेकार से गांव में अपने लिए इतना टेस्टी सूप तैयार कर लिया। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ आई हो और अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।